brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार के लिए बड़ी खबर आई है। इकोनॉमी पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं को तगड़ा जवाब मिल गया है। अप्रैल में अब तक सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा सामने आ गया है। जीएसटी कलेक्शन के अप्रैल के आंकड़े ने पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। पहली बार जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 2,10,000 के पास पहुंच गया है। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 2,10,000 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1,92,000 करोड़ रुपए था। यानी सालाना आधार पर अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 12.4% ज्यादा है। वही मार्च महीने में भी जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिली है। मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1,78,000 करोड़ रुपए रहा था। जीएसटी कलेक्शन पिछले वित्त वर्ष 12 महीने में से 10 महीने में 1,60,000 करोड़ के पार रहा। जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी भारत में अच्छी खपत को दर्शाती है। जीएसटी कलेक्शन का बढ़ना ये बताता है कि भारत की इकोनॉमी पटरी पर सरपट दौड़ रही है। जीएसटी कलेक्शन एक तरफ का इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। इसका बढ़ना ये बताता है कि इकोनॉमी में डिमांड तेज है और लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। इसी का असर है कि जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जीएसटी कलेक्शन में सबसे तेज ग्रोथ मेघालय में देखी गई है। अप्रैल में मेघालय में जीएसटी कलेक्शन 52% बढ़ा। वहीं असम में जीएसटी कलेक्शन 25% बढ़ा। बिहार, चंडीगढ़, गोवा और दिल्ली में 23% बढ़ा। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन बढ़ने के पीछे दो बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला, घरेलू ट्रांजैक्शन में 12.4% का इजाफा। दूसरा, इंपोर्ट में 8.3% की उछाल। खैर, जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा और जिस तरह से भारत ग्रोथ कर रहा, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।